हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है संडे और संडे हमेशा होता है फंडे, है ना? और आप लोगों का होता है कि नहीं होता है आप बताइएगा जरूर। मेरा तो बहुत अच्छा होता है संडे, और आज भी संडे है। संडे निकल भी गया है आधा से ज्यादा आज, क्योंकि टाइम शाम के 5 बज गए हैं। और संडे को फंडे के अलावा मैं थोड़ा सा चटपटा भी बनाने वाली हूँ। तो फिर चलो देखते हैं आज मैं क्या बनाती हूँ। आज मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए, अपने लिए मोमोज, क्योंकि अभी लॉकडाउन है। सैटरडे संडे भी स्कूल ऑफ कर दिया गया, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। कुछ खाने का मन हो तो वैसे भी डर लगता है बाहर से ले आने में। पूरे लॉकडाउन में, मतलब लॉकडाउन खुलने के बाद, मैं सिर्फ 2 या 3 दिन ही बाहर खाई हूँ। बाकी मेरी हिम्मत नहीं ली गई कि मैं बाहर खाऊं। मतलब समझ में आया कि इस दुकान से लूं, कौन सा दुकान सेफ है कौन नहीं सेफ है, तो बस नहीं गई कहीं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं मोमोज बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। छोटी छोटी क्लिप, एकदम से नहीं, एकदम से रेसिपी नहीं, छोटी छोटी क्लिप शेयर करूंगी। तो चलो फिर बनाते हैं, है ना, मोमोज। आप लोग भी खा लीजिए, क्योंकि अभी 4-5 घंटे हैं रात होने में। रात का खाना आप लोग अपने घर खा लीजिएगा, मोमोज जो है शाम का नाश्ता वो हमारे घर कर लीजिए, है ना। तो चलो फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मोमोज बनाने के लिए मैंने ये थोड़ी से वेजिटेबल ले लिए हैं, जिनमें ये है पत्ता गोभी, ये थोड़ी सी मिर्च, 2 मिर्च, ये गाजर की स्लाइस, ये शिमला मिर्च और ये सोयाबीन, जो कि मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत डालिए, पर मुझे बहुत पसंद है तो मैं डालूंगी। इन सबको जो है आप फाइनली चॉप कर लीजिए, चॉपर से या जैसे भी आपसे हो सकता है आप उसको चॉप कर लीजिए, उसके बाद में दिखा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, मैंने अपनी सारी सब्जियाँ जो है वो चॉप कर ली है। चॉप क्या किया है, हमने इसको मिक्सी में डाल के हल्का घुमा दिया है, और ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो वो ग्रेवी सा बन जाएगा। उतना नहीं करना, आपको बहुत ध्यान से करना है। तो देखो, मैंने पहले मैंने सोयाबीन, फिर पत्ता गोभी, फिर मैंने गाजर और शिमला मिर्च एक में डाल के कर दिया था। ये हमने गलती करी थी, हमको शिमला मिर्च जो है वो चॉप कर लेना था हाथ से, पर हमने नहीं किया, तो शिमला मिर्च जो है वो गुम हो गई थी। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में रखा है तेल, और उस पर मैंने जीरा डाल दिया। फिर मैं इसमें प्याज और मिर्ची डाल दूँगी। प्याज को मैं ज़्यादा नहीं पकाऊँगी, बस हल्का सा, हल्का लाइट गोल्डन होने तक मैं इसको पकाऊँगी। उसके बाद मैं अपनी सारी सब्जियाँ जो है इसमें डाल दूँगी। ये देखो, ये इतना हो गया है, बस इतना काफ़ी है। इसके बाद मैं इसमें सारी सब्जियाँ अपनी डाल दे रही हूँ, और बस सब्जियों को जो है हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि जो भी सब्जियां हैं ये सारी हेल्दी हैं, बच्चों के लिए बहुत फिट हैं, ये कोई नुकसान नहीं करने वाली। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो इसमें ऐसा लगे कि ये कच्चा है, क्योंकि जो भी है इसको हम कच्चे भी खा सकते हैं, शिमला मिर्च को छोड़ के। बाकी पत्ता गोभी भी हमारे यहाँ सलाद में भी यूज करते हैं, पता नहीं आपके यहाँ करते कि नहीं। गाजर तो करते ही हैं सलाद में। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मैगी मसाला डाल दिया था 1 चम्मच, और 1.5 चम्मच मैं विनेगर डाल दे रही हूँ इसमें। मैं इसमें ब्लैक सिरका नहीं डाल रही हूँ, और नमक डाल। और हमारा स्टफिंग जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इधर मैंने लगा लिया है आटा, आटे में मैंने डाल दिया है 2 चम्मच ऑयल, रिफाइंड ऑयल। और उसके बाद मैं इसमें नॉर्मल पानी से ही आटा लगा लूँगी, जैसे आप लगाते हो वैसे आटा। देखो मेरा आटा जो है ये लग के रेडी हो गया है, और मैं छोटी छोटी लोइयाँ इसकी काट लेती हूँ जिस हिसाब से हमको बनाना है। आपको जितना बड़ा मोमोज रखना है उस हिसाब से आप लोइयाँ काट लीजिएगा। और फिर इसकी मैं छोटी छोटी सी टिक्की बना लूँगी। टिक्की क्या बोलते हैं, जो इसको आप रोटी बोलते हो, पूड़ी बोलते हो, जो बोलते हो, तो कुछ इस तरीके से हम कर लेंगे इसको। और इसको मैं फिल कर दूँगी। बहुत अच्छे से तो नहीं आता मुझे, लेकिन ठीक है, घर पे बना रही हूँ अपने, और जो भी है हेल्दी है, टेस्टी भी होगा, तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी होगा तो चलेगा, है ना। बहुत ज़्यादा सफाई तो नहीं होगी, वैसे भी कौन सा हमें दुकान में देना है ना, जैसा भी होगा माँ के हाथ का है तो बच्चे भी बहुत चाव से खाएंगे। और मैं तो, मेरा देखो भाई, मेरी मेहनत लगी है तो मुझे तो अच्छा लगेगा ही। और यहाँ पे मैंने एक बना लिया है, सेम इसी तरीके से मैं 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी हैं हमारे मोमोज हम सब बना लेंगे। तो देखो कुछ इसी तरीके से कर रही हूँ मैं, और इसमें जो अंदर में डाल रही हूँ वो भी मैं घर पे ही बना रही हूँ, तो अच्छा खासा फिल कर रही हूँ, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा। और इसी तरीके से देखो मेरे सारे मोमोज ये बन के रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको स्टीमर में रख दूँगी। स्टीमर के लिए मैंने इडली का जो स्टीमर होता है उसको यूज़ किया है। और इनके जो ये प्लेट है इनमें मैंने थोड़ा थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल से ग्रेस कर दिया है, जिसमें इसमें मोमोज चिपके नहीं। और मैं ऐसे चार चार करके सारे मोमोज रख दूँगी इसमें। एक बार में 16 आएंगे,
तो कुछ इस तरीके से ऐसे ही मैं सब मोमोज लगा के रख दूँगी। और इसको मैं 10 से 15 मिनट तक के लिए छोड़ दिया था मैंने। और इधर मैं बना लूँगी मोमोज के लिए चटनी। अपने लिए मैं तीखी चटनी बना रही हूँ, बच्चों के लिए नहीं। तो मैंने बस एक टमाटर किया था क्योंकि इसकी बहुत तीखी हो जाएगी चटनी, तो बस मोमोज के साथ ही अच्छी लगेगी, बाद में कौन खाएगा इतना तीखा। मोमोज जो है हमारे रेडी हो चुके हैं, हमारी जो मोमोज की चटनी है वो भी रेडी हो चुकी है। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि मोमोज कैसे बनाए दिखिए। बच्चों के लिए मैंने मीठी चटनी बनाई थी, अपने लिए मैंने खूब तीखी चटनी बनाई थी। और ये मेरे मोमोज जो हैं वो रेडी हो गए हैं। छोटी प्लेट में मैंने बच्चों को दी थी, बड़ी प्लेट की मैंने अपने लिए रखी थी। तो फ्रेंड फाइनली हमारे जो मोमोज हैं वो बनके रेडी हो गए हैं। मैं जस्ट अभी किचन से आ रही हूँ। देखो आपको, कल बारिश हुई थी जोर की और आज ना धूप निकल के आई है, तो गर्मी ना बहुत ज्यादा बढ़ गई आज। तो चलो दिखाती हूँ आपको अपनी आपके मोमो। आप लो, ये बन गया मोमोज, दिखाती हूँ। ये देखो, रेडी टू ईट मोमोज। और मैं मोमोज के साथ चाय का भी टाइम हो गया, तो मैं चाय भी रख के आई हूँ। चाय भी बन रही है, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं मोमोज खाने के लिए। तो चलो मैं जल्दी जल्दी बच्चों को दे देती हूँ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तो मोमोज का मजा जो है वो ठंडे में नहीं आता, गर्म में ही आता है। और मैं चाय भी पीऊंगी इसके साथ, तो चाय में रख के आ गई हूँ। तो आप लोग भी आ जाओ, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि शाम का जो नाश्ता है वो हमारे यहाँ होगा। तो आ जाओ फटाफट, सब लोग साथ मिलकर करते हैं नाश्ता, है ना। आ जाओ जल्दी 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 जल्दी। और यहाँ पे हम और बच्चे सब टूट पड़े हैं बिल्कुल, देखो मोमोज पे। और मोमोज जो है वो मेरा थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो मैंने अपने लिए दोबारा से गर्म किया है, क्योंकि मुझे बिल्कुल गर्म मोमोज ऐसे लगते हैं, खाओ और मुंह जल जाए, कुछ इस टाइप का। बच्चों के लिए नहीं किया था हमने, लेकिन हमने अपना फिर से किया था गर्म। और इतने जो मोमोज हैं इसको पूरा नहीं खाया गया था, इसमें से बहुत सारे मोमोज बच गए थे, तो हमने सुबह भी गर्म करके खाया और बहुत टेस्टी बना था। रियली में मोमोज बहुत टेस्टी बना था, और रात से ज़्यादा तो सुबह मज़ा आया इसको खाने में। और साथ साथ मैं पानी भी पीती जा रही हूँ, फिर चाय भी पीती जाऊँगी, मतलब सब कुछ ऑल इन वन हो गया था। तो चलिए फिर आप लोग इंजॉय कीजिए वीडियो को, और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा भेजी गई हर एक नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो अगर ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हो सके तो आप वीडियो को फुल देखा कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को फुल देखेंगे तब आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, और आपको बहुत इंजॉय भी मिलेगा वीडियो में, बहुत मज़ा भी आने वाला है वीडियो में, वीडियो देख करके। तो चलो फिर वीडियो का हम अपने एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। बाय बाय।